नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस द्वारा तंबू गाड़ने को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने बताया कि कायदे से स्ट्रांग रूम के 200 गज के दायरे में तंबू नहीं गाड़े जा सकते, लेकिन कांग्रेस ने कई जगह स्ट्रांग रूम के साथ ही तंबू लगाए हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन से शिकायत करके कार्रवाई की मांग करेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता धर्मपुर, किन्नौर, पावंटा साहब, घुमावरी, नाचन, गगरेट में स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू गाड़कर दिन रात ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। कांग्रेस को ईवीएम से छेड़छाड़ का अंदेशा है। सरकार पोलिंग वाले दिन रामपुर में निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने से कांग्रेस का शक और गहरा हो गया है। इसके बाद करीब 6 विधानसभा क्षेत्रों में बने स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस नेताओं ने डेरा डाल दिया है और दावा किया जा रहा है कि मतगणना होने तक तंबू लगाए रखेंगे। इस पर भाजपा ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। गणेश दत्त ने बताया कि हार से बौखलाई कांग्रेस इस तरह की हरकतें कर रही है। पहले भी लोकसभा विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई तो ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना चाहिए। यदि तंबू लगाने हैं तो स्ट्रांग रूम के 200 गज दूरी से बाहर लगाए जाएं। कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने बताया कि कई जगह बाहर 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। आम जनता और पार्टी वर्कर को ईवीएम से छेड़छाड़ की शंका है, इसलिए निगरानी की जा रही है। प्रदेश में कहीं भी 200 गज की दूरी की वायलेशन नहीं किया जा रहा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना।